में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज। आज हम मौजूद हैं जिला फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में, जहां पर कुछ नफरत अनासर ने मुख्तलिफ चर्चों को जला दिया। आज हम पैरिश हाउस में भी मौजूद हैं, जिसको मुकम्मल तौर पर जला दिया गया है। हमारे साथ बाबू रफाकत मौजूद है, उनसे जानते हैं कि हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बाबू जी। जी मैं बाबू रफाकत, कैथलिक चर्च जाना वाला। ये पैरिश हाउस है जी हमारा, जहाँ पे फादर जी रहते हैं, 238 नासरत क्लिनिक। तो ये इस पैरिश हाउस को सारा जला दिया है। कि जब ये वाक्य हुआ है तो पहले हम थाने में गए हैं, वहाँ पे एसएचओ साहब से, एसपी साहब से मीटिंग हुई है और उन्होंने कहा कि हाँ हम आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देते हैं अपने, उन्होंने फ़ोन नंबर दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप पैरिश हाउस में चले जाएं। हम, मैं, फादर जी, ब्रदर सनी और दो हमारे साथ कलीसिया के लोग थे, हम इधर आकर बैठे हैं। तो तकरीबन 15 मिनट हम इधर बैठे हैं और चारों तरफ से लोगों ने घेरा डाला है और नारेबाजी, गाली गलौज, बहुत बुरे अल्फाज। और फिर हमने इतनी कॉल्स की हैं एसपी साहब को, तमाम सिक्योरिटी अदारों को, एसएचओ साहब को, लेकिन किसी ने हमारी कॉल अटेंड नहीं की। 10-15 मिनट के बाद सिक्योरिटी ऑफिसर से रब्ता हुआ तो हमने कहा कि भाई हम तो खुद ही तो फंस गए हैं, आपने कहा था पैरिश हाउस में चलेंगे, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आते हैं, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद हमने अब बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर हम इधर से एक एक करके निकले हैं। और जब मैं निकला हूं तो पीछे 3 आदमी मोटर बाइक पर मेरे लगे हैं और वो 1 किलोमीटर तक उन्होंने मेरा पीछा किया है। और मैं बड़ी मुश्किल से फिर जान बचाकर, ये कुमाद हैं, पग डंडियां हैं, उधर से जो है ना मैं अपनी जान बचाकर निकला हूँ। और ऐसे ही फादर जी और ब्रदर जी भी, और हमारे निकलने के 5 मिनट के बाद ही ये जो है जलाया गया है। लोगों ने पीछे से वीडियो बस भेजी है कि लो जी ये पैरिश हाउस भी ढा दिया गया है, जला दिया गया है और इस पर हमला हो गया है। तो ये हुकूमत पंजाब को चाहिए कि ये सारे मामलात को खुद संभाले और जो लोग ये जलाओ ग्रहो करने वाले थे उनकी सारी फुटेज और वीडियो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो हम बड़ी मोहब्बत के साथ मुस्लिम और क्रिश्चियन इकट्ठे रह रहे हैं और जब कभी भी ऐसे मामलात नहीं हुए और कभी भी नफरत की फजा नहीं फैली, तो ये मामलात आने वाले वक्त में ना हों।